क्या जीएसटी में रोड परमिट की आवश्यकता होगी? उत्तर है हाँ, लेकिन इसका नाम रोड परमिट नहीं होगा, इसे ई वे बिल के नाम से जाना जाएगा। जब भी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होगी तो ई वे बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा। आइए हम ई वे बिल को एक साधारण उदाहरण की सहायता से समझें। मान लीजिए कि ए एक मुंबई में सप्लायर है, उसे पुणे के एक व्यक्ति बी को माल भेजना है। इस स्थिति में दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली यह है कि ए खुद से यानी कि बिना किसी ट्रांसपोर्टर की सहायता से अपने खुद के या किराए के वाहन से बी को माल भेजता है। दूसरी यह कि ए किसी ट्रांसपोर्टर की सहायता से बी को माल भेजता है। पहली स्थिति में जब ए खुद से यानी कि बिना किसी ट्रांसपोर्टर की सहायता से अपने खुद के या किराए के वाहन से बी को माल भेजता है, तब ए माल की मूवमेंट शुरू होने से पहले ही जीएसटी वेबसाइट पर फॉर्म जीएसटी INS 1 के पार्ट ए में भेजे जा रहे माल की डिटेल्स को भर देगा। फिर फॉर्म जीएसटी INS 1 के ही पार्ट बी में वाहन की डिटेल्स को भर देगा। जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भर दिए जाएंगे, तब ए ई वे बिल जनरेट कर सकेगा। दूसरी स्थिति में जब ए किसी ट्रांसपोर्टर की सहायता से बी को माल भेजता है, ऐसी स्थिति में ए माल की मूवमेंट शुरू होने से पहले ही जीएसटी वेबसाइट पर फॉर्म जीएसटी INS 1 के पार्ट ए में भेजे जा रहे माल की डिटेल्स को भर देगा। फिर फॉर्म जीएसटी INS 1 के ही पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स को भर देगा। जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही भर दिए जाएंगे, तब ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट कर सकेगा। ई वे बिल जनरेट होने पर ई वे बिल नंबर जनरेट होगा, जो कि सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट तीनों के पास उपलब्ध हो जाएगा। रेसिपिएंट को ई वे बिल में दी गई कंसाइनमेंट डिटेल्स को 72 घंटों में स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। अगर 72 घंटों में रेसिपिएंट ई वे बिल में दी गई कंसाइनमेंट डिटेल्स को न तो स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने कंसाइनमेंट डिटेल्स को स्वीकार कर लिया है। हर एक ई वे बिल का एक वैलिडिटी पीरियड होगा। यह वैलिडिटी पीरियड माल के ट्रांसपोर्टेशन की दूरी पर निर्भर करेगा। यदि यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर से कम है, तो वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल के जनरेशन के समय से 1 दिन होगा। यदि यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा लेकिन 300 किलोमीटर से कम है, तो वैलिडिटी पीरियड 3 दिन होगा। यदि यात्रा की दूरी 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा लेकिन 500 किलोमीटर से कम है, तो वैलिडिटी पीरियड 5 दिन होगा। यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा लेकिन 1000 किलोमीटर से कम है, तो वैलिडिटी पीरियड 10 दिन होगा। यदि यात्रा की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, तो वैलिडिटी पीरियड 15 दिन होगा। अगर एक ई वे बिल जनरेट किया गया है लेकिन माल या तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया गया या ई वे बिल में दिए गए डिटेल्स के अनुसार माल ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया, तो ई वे बिल जनरेशन के 24 घंटे में रद्द किया जा सकेगा।